बौद्ध धर्म में दलाई लामा बनना नहीं है इतना आसान। सर्वोच्च पद के लिए देखिए कैसे होता है चुनाव। इन कठिन परीक्षाओं से पहले गुजरना होता है और इन नियमों पर खरा उतरना होता है, उसी के बाद मिलती है दलाई लामा की पदवी। खास कुल में जन्मे बच्चे का ही होता है चुनाव और फिर इन वरीयताओं के आधार पर पदवी हासिल करने का शुरू होता है सिलसिला। सालों की मेहनत और कड़ी परीक्षाओं से गुजरने के बाद दी जाती है दीक्षा। बाद में इन नियमों का भी करना होता है पालन। दुनिया में हर धर्म अलग है और हर धर्म के धर्माधिकारियों के नियम कायदे अलग हैं। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं और सबकी अपनी अपनी संस्कृति है। इन्हीं धर्मों में से एक है बौद्ध धर्म, जिसके नियम कायदे और दीक्षा के साथ साथ परीक्षाओं का अपना एक अलग तरीका है। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी उपाधि दलाई लामा की मानी जाती है, जिसका सम्मान भी सबसे ज्यादा किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दलाई लामा का चुनाव कैसे होता है और किन किन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, साथ ही उपाधि मिलने के बाद किन नियमों का पालन करना होता है? अगर नहीं पता तो आज ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को अपने भगवान के रूप में देखते हैं। दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक, धार्मिक और राजनीतिक गुरु होते हैं। तिब्बती बौद्धों में दलाई लामा का चुनाव करने के लिए एक लंबी और गौरवशाली परंपरा रही है। तिब्बतियों के 14वें गुरु दलाई लामा तेनजिंग ग्यात्सो की उम्र और तबीयत बिगड़ने के साथ ही नए दलाई लामा के चुनाव को लेकर चर्चा का दौर तेज हो गया है। इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि 15वें दलाई लामा कौन होंगे। दरअसल दलाई लामा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक होता है। हालांकि चीन हमेशा से दलाई लामा के चयन में अपना दखल बनाए रखना चाहता है, जबकि भारत तिब्बती बौद्धों के परंपरा का सम्मान करते हुए उन्हें अपने तरीके से दलाई लामा का चुनाव करने का समर्थन करता है। दलाई लामा मंगोलियाई शब्द दलाई से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर, और तिब्बती शब्द लामा, जिसका अर्थ है गुरु या शिक्षक। वर्तमान के और 14वें दलाई लामा तेनजिंग ग्यात्सो हैं। दलाई लामा का जन्म 1935 तिब्बत में हुआ था और उन्हें 2 साल की उम्र में 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता मिली थी। तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ विफल विद्रोह के बाद 1959 में वे भारत भाग आए और तब से भारत में ही रहते हैं। तिब्बती समुदाय के अनुसार लामा गुरु शब्द का मूल रूप है, एक ऐसा रूप जो सभी का मार्गदर्शन करता है। दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया में पिछले दलाई लामा के पुनर्जन्म की खोज शामिल है, जिसे स्वर्ण कलश प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। जब दलाई लामा की मृत्यु हो जाती है तो उनके पुनर्जन्म की खोज के लिए उच्च लामाओं की एक परिषद गठन की जाती है। लामा के निधन के आसपास पैदा हुए बच्चों की खोज की जाती है। कई बार ये खोज सालों तक चलती रहती है। तब तक कोई स्थायी विद्वान लामा गुरु का काम संभालता है। वे अपनी खोज में उनका मार्गदर्शन करने के लिए अलग अलग चिन्हों और भविष्यवाणियों के साथ साथ दलाई लामा के स्वयं के लेखन और शिक्षाओं का परामर्श लेते हैं। वे एक ऐसे बच्चे की तलाश करते हैं जो पिछले दलाई लामा की मृत्यु के एकदम समय पर पैदा हुआ हो। वर्तमान दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के उत्तर पूर्वी तिब्बत में एक किसान परिवार में हुआ था। ये जब महज 2 साल के थे तभी इनकी पहचान 13वें दलाई लामा थुबटेन ग्यात्सो के पुनर्जन्म के रूप में की गई और तेनजिंग ग्यात्सो नाम दिया गया। तभी से 14वें दलाई लामा तेनजिंग ग्यात्सो हैं। तेनजिंग ग्यात्सो ने मठ से जुड़ी शिक्षा 6 साल की आयु में शुरू कर दी थी। उनकी शिक्षा नालंदा परंपरा पर आधारित थी, जिसमें उन्हें तर्कशास्त्र, ललित कला, संस्कृत, व्याकरण और औषधि का ज्ञान दिया गया। दलाई लामा ने बौद्ध दर्शन का ज्ञान भी अर्जित किया है। अब मौजूदा दलाई लामा की तबीयत बिगड़ने के बाद एक बार फिर ये तलाश तेज हो गई है और तिब्बती लोग अभी से रिसर्च में लगे हैं कि जब इन दलाई लामा का वक्त पूरा होगा तो दूसरे दलाई लामा को खोजना और उसी के आधार पर उनकी शिक्षा और दीक्षा का कार्य किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।